थाना ब्रह्माणा के अंतर्गत डार टोहो पंचायत के टोहो में एचपी 62A 4575 अपने घर के पास टोहो में खड़ा किया गया था कि एक ट्रक में अचानक आग लग गई, जिससे ट्रक का कैबिन जलकर नष्ट हो गया। ट्रक के मालिक दीपचंद पुत्र रोशनलाल ने बताया कि वे अपना ट्रक स्वयं चलाते हैं तथा पिछले लगभग 10 दिनों से घर के पास अपने खेतों में ही ट्रक खड़ा किया हुआ था। आज सुबह लगभग 11 बजे के करीब वे अपने घर पर ही थे कि तभी उसका छोटा भाई हेमराज पानी भरने के लिए बाहर निकला तो उसने देखा कि ट्रक से धुआं निकल रहा है और उसने शोर मचाया। जैसे ही ट्रक के पास पहुंचे तो देखा कि ट्रक के कैबिन में आग लगी है। शोर सुनकर गांव के अन्य लोग भी मौके पर पहुंच गए और ट्रक में लगी आग को बुझाया। उन्होंने बताया कि ट्रक लगभग 2 वर्ष पूर्व ही खरीदा था और अल्ट्राटेक सीमेंट कंपनी बागा में कार्य करने के लिए लगाया गया था। ट्रक में आग लगने के कारण तारों का शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग लगने से ट्रक का कैबिन, स्टेयरिंग, इंजन, बैटरी, बेयरिंग इत्यादि पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए हैं और लगभग 3 लाख का नुकसान आंका जा रहा है। थाना ब्रह्माणा पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुकदमा दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। आज 11:30 बजे मैं अपने घर में रूम में सोया हुआ था, तब मेरे छोटे भाई ने मेरे को आवाज दी कि नीचे वो गया था पानी भरने, तो उसने बोला कि नीचे गाड़ी में आग लगी हुई थी, शॉर्ट सर्किट की।